Hello everybody, this is Khushi Singla and you are watching on CSP Institute channel. We move to lecture 2 of this particular course in lecture 1. That is, in the previous lecture, we had seen why digital electronics is important for computer science graduates. And next we see what is signal. And after that we learn about analog signal, and then after that we saw digital signal, right? We cover basic of these two things. Okay, so before starting today's lecture, I just want to talk on one thing, that is, why digital? डिजिटल क्यों? ओके, अब तुमने देखा होगा हम डे टू डे लाइफ में काफ़ी सारी टर्म्स के साथ एसोसिएटेड रहते हैं, जैसे कि डिजिटल क्लॉक, राइट, डिजिटल कैमरा, डिजिटल मनी, डिजिटल मीडिया एंड ऐसे ही बहुत सारी सो ऑन करके बहुत सारी काफ़ी टर्म्स है, डिजिटल थर्मामीटर, डिजिटल वेइंग मशीन. जब हम किसी भी टर्म को डिजिटल के साथ एसोसिएट करते हैं, कोई भी टर्म है लाइक थर्मोमीटर है, उसे मैंने क्या करा, डिजिटल टर्म के साथ एसोसिएट करा, तो वो पर्टिकुलर एंटिटी हमारी एक डिजिटल टेक्नोलॉजी बन जाती है. ओके, व्हेन वी एसोसिएट डिजिटल टर्म विद एनी क्वांटिटी, देन दैट एंटिटी विल बिकम डिजिटल टेक्नोलॉजी. और इस डिजिटल टेक्नोलॉजी को हम मोर एफिशिएंट मानते हैं. ओके, मोर एफिशिएंट किसके टर्म्स में? परफॉर्मेंस की टर्म्स में. ओके, कि लाइक परफॉर्मेंस क्या होगी इसकी, क्वालिटी क्या होगी इसकी, और इवन इसकी हम इसे मोस्ट एफिशिएंट परफॉर्मेंस की टर्म में मानते हैं. कॉस्ट की टर्म में, कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है जब भी हम किसी भी लाइक ऑब्जेक्ट की बात करें. क्यों? क्योंकि वो टोटली डिपेंड करते हैं कि उसे कितने लोग खरीदने वाले हैं, वो हमारे लिए कितना फिजिबल है, क्या हम आसानी से उसे ले सकते हैं या नहीं ले सकते. ओके, सो ये समझ में आया व्हाई डिजिटल ही क्यों. अब देखो, अब हम आगे बढ़ते हैं. कल आपने देखा था एनालॉग सिग्नल क्या होता है, राइट? एनालॉग सिग्नल में हमने देखा था बेसिकली सिग्नल जो कि कोई भी वैल्यू ले सकता है, सिग्नल दैट टेक एनी वैल्यू विद इन लिमिट, टेक एनी वैल्यू विद इन लिमिट, राइट? एंड वहीं हमने देखा था हमारा, अगर मैं डिजिटल की बात करूं, एंड डिजिटल क्या बोलते हैं, डिजिटल बोलता है कि सर्टेन लेवल्स लाइक मतलब फाइनाइट वैल्यू. ओके, तो हमने एक ग्राफ के थ्रू भी देखा था कि हर जिस वैल्यू पे हमारा जो पॉइंट आ रहा है वो होता है एनालॉग, पर लेकिन हम डिजिटल में क्या कर रहे थे, लेवल्स बना रहे थे, एंड लोअर लेवल को, किसी भी पॉइंट के लोअर लेवल को हम उसका पर्टिकुलर पॉइंट ले रहे थे, तो जो वो हमारा क्या हो गया, डिजिटल सिग्नल. अब आगे बात आती है कि डिजिटल सिग्नल, ओके, एक कॉन्सेप्ट और है उससे और देखते हैं. जितना हम लेवल्स को इंक्रीज करेंगे, लाइक अभी आगे बताती हूँ, उतना ही हमारा एरर कम होगा. ओके, क्या है इसका मतलब, मेरे पास एक ये ग्राफ है. ओके, लेट से यहाँ पे 0 वोल्ट हमारा ग्राउंड होता ही है, ये 2 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट हमारा फाइनल. ओके, यहाँ पे टाइम जा रहा है, डिड अ वोल्टेज. अब सी,
लेट्स से किसी टाइम पे मान लो ये मेरा ग्राफ है, ओके, टाइम T1। तो यहाँ पे क्या है बेसिकली, ये है VT1, क्या है 2 वोल्ट है, राइट। पर लेकिन अगर मैं अब बात करूँ एरर को रिड्यूस करने की, ओके, अगर मैं सुनो सिंपल देखो, अगर मैं देख रही हूँ VT1 क्या है, वोल्टेज एट T1 क्या है 0 वोल्ट, राइट। बेसिकली मान लो मैं 2 वोल्ट पे हूँ और वोल्टेज अगर मैं T1 पे देखूँ तो वो क्या होगी हमारी, 0 वोल्ट है। इसका मतलब क्या हो गया, एरर है 2 वोल्ट का, है ना। अब मैं इसी में फर्दर लेवल्स कर देती हूँ, इसे मैं डिवाइड कर देती हूँ, ये जो पूरा 5 था इसे मैं डिवाइड कर देती हूँ, ओके, 4 लेवल्स में। अब क्या हो जाएगा, ये इस तरह से कुछ हो जाएगा, 1.25, 2.5, 3.75, ओके। ऐसे ये 4 लेवल में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हम क्या देखते हैं, 2 वोल्ट की मिनिमम वैल्यू देखूंगी मैं, मुझे तो मिनिमम वैल्यू देखनी है ना, 1.25। तो यहाँ पे क्या हो गया, VT1 क्या हो गया, 1.25 वोल्ट, राइट। तो अब इधर एरर कितना हुआ, इधर एरर कितना आएगा, अब 0.75 वोल्ट। तो देखा, जैसे ही मैंने लेवल्स को इंक्रीज करा, पार्टीशन करने ज़्यादा करे, तो मेरा क्या हो गया, एरर डिक्रीज हो गया। सेम इसी तरह इस पूरे ग्राफ को मैं 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ, तो ये ऐसा रहेगा कुछ 0, 1, 2, 3, 4, 5, कुछ ऐसा रहेगा। अब VT1 क्या होगा, 2 वोल्ट, और एरर क्या हुआ आपका, 0, राइट। होप सो ये इतना समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं कि डिजिटल सिग्नल की जरूरत क्या है, समझ में आया अच्छे से कि कैसे हमने एरर रिड्यूस करे, कैसे लेवल अगर बढ़ रही है तो हमारा जो एरर है वो डिक्रीज होता है। हमेशा माइंड में याद रखना, जैसे जैसे हम लेवल्स को बढ़ाते जाएंगे उतनी प्रिसाइज हमें वैल्यू मिलेगी, अगर लेवल्स को हम कम रखेंगे हमारा वैल्यू प्रिसाइज इतनी नहीं होगी, ओके। अब डिजिटल सिग्नल्स की ज़रूरत क्यों होती है, डिजिटल सिग्नल्स की ज़रूरत हम कम्युनिकेशन में करते हैं, यूज इन कम्युनिकेशन प्रोसेस टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ नॉइस। एंड नॉइस यहाँ पे क्या होता है, अनवांटेड सिग्नल्स होते हैं। तो डिजिटल सिग्नल की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, कम्युनिकेशन प्रोसेस में पड़ती है, इफेक्ट ऑफ नॉइस को मिनिमाइज करने के लिए। जैसे लेट्स से मेरे पास एक ग्राफ है, ठीक है, यहाँ पे 3 वोल्ट कुछ, यहाँ पे 3 वोल्ट है, ठीक है, T1 के रिगार्डिंग 3 वोल्ट है, ओके। अब जैसे ही मैं इसे ट्रांसमिट कर रही हूँ, ठीक है, इसका ट्रांसमिशन हो रहा है, तो क्या हो रहा होगा, मैंने अब ट्रांसमिशन किया तो क्या हो रहा होगा, ये मान लो जब मैंने इसे ट्रांसमिट करा तो 0.5 वोल्ट और ऐड हो गया, ठीक है, बीच में हम गए, नॉइस ऐड हो गई, कोई भी डिसरप्शन आई वो सब ऐड हो गया, तो अब ये क्या हो जाएगा, 3.5 वोल्ट, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारा नॉइस का इफेक्ट आ गया, इफेक्ट ऑफ नॉइस, राइट, इन एनालॉग ट्रांसमिशन करने के टाइम। अब हमें वो जो दे रहा होगा वो क्या दे रहा होगा,
3.5 वोल्ट को हमें वैल्यू दे रहा होगा। तो अब ये क्या हो गया, डिस्टॉर्टेड हो गया, इसने अपनी शेप और साउंड इसने चेंज कर लिया। ओके, पर लेकिन अगर मैं वही बात करूँ डिजिटल सिग्नल की, डिजिटल सिग्नल में क्या हो रहा होगा, सेम यही लेते हैं T1, ये 3 है, अभी ये क्या है 3 वोल्ट है। जैसे ही मैंने इसमें प्लस 5 वोल्ट करा तो ये क्या हो जाएगा 3.5 वोल्ट हो जाएगा, राइट। 3.5 वोल्ट पे जाना चाहिए। अब हमने क्या करा, लेट से हमारे 5 तक हमने डिवीजन कर लिया कितना, 4 में, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ओके, हमने कर लिया। अब डिजिटल सिग्नल में हम क्या बोलते हैं, डिजिटल सिग्नल में हम कोई भी वैल्यू नहीं उठाते, हम सर्टेन वैल्यूज़ उठाते हैं, और अगर हमें ग्राफ में देखना है तो हम उस वैल्यू का लोअर उठाते हैं। अब ये मेरा क्या है 3.5, पर लेकिन नहीं 3.5 तो मेरा ये एनालॉग में होगा, और डिजिटल सिग्नल में क्या हुआ, डिजिटल सिग्नल में मैं लोअर वैल्यू लूँगी, लोअर वैल्यू क्या है 3, तो ये क्या होगा VT1 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या आया 3 वोल्ट, और यहाँ VT1 के करस्पॉन्डिंग क्या आया 3.5 वोल्ट। ये क्या है एनालॉग एंड ये क्या है डिजिटल। एनालॉग में इफेक्ट ऑफ नॉइस हमारा क्या हुआ, आ गया, एंड इन दिस केस हमारा क्या हुआ, एरर नहीं आया, रिड्यूस हो गया इफेक्ट ऑफ नॉइस। ओके, इतना समझ में आया। अब हमें पता है फर्दर, अब इसके आगे अगर मैं बात करूँ तो हमें पता है जो डिजिटल सिग्नल की नीड पता चल गई। अब हमें डिजिटल सिग्नल की क्यों ज़रूरत है, जिससे कि नॉइस के इफ़ेक्ट में कमी हो, जैसे कि हमारा ज़्यादा डिस्टरबेंस ना आए, हमें किसी हमें दूसरी आवाज़ सुन भी नहीं पा रही, वो कम हो जाए। इस वजह से आजकल हम डिजिटल सिग्नल्स का यूज़ करते हैं, और हमने देख ही लिया कि ये एफिशिएंसी भी होते हैं, एफिशिएंट भी होते हैं एंड कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी होते हैं। कॉस्ट इफ़ेक्टिव का मतलब भी देख लिया, हम किस टर्म में बात कर रहे होते हैं कि टोटल सॉल्यूशन कॉस्ट क्या लग रही होगी, मिनिमाइज हो रही होगी, ऐसे ज़्यादा नहीं होगी। ओके, इतना समझ में आया। अब उसके बाद एक बेसिक सी चीज़ और देखते हैं। हमारे सबसे बेसिक यूनिट होती है सर्किट्स, एंड सर्किट्स में क्या आते हैं, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर। ओके, अब इन सर्किट से क्या हमारी फॉर्मेशन होती है आगे, बेसिक यूनिट्स हम बनाते हैं। बेसिक यूनिट्स अगर हम कहें तो क्या हो गई हमारी, जैसे कि लॉजिक गेट्स हो गए। ओके, एंड आफ्टर डेट मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स क्या होते हैं, मॉड्यूल्स डिस्टिंक्ट असेंबली होती है, मॉड्यूल्स आर डिस्टिंक्ट असेंबली ऑफ कंपोनेंट्स दैट कैन बी ईजिली एडेड दैट कैन बी ईजिली एडेड एंड रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड इन आ लार्जर सिस्टम ओके, जिन्हें हम आसान से ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, रिप्लेस करते हैं एक लार्जर सिस्टम में, जब हमें ज़रूरत है हमने उस चीज़ का यूज़ कर लिया, वरना स्विच आउट करके हमने उस चीज़ का यूज़ नहीं किया। ओके, उसके बाद हमारा एक सब सिस्टम फॉर्म हो जाता है, एंड आफ्टर डेट वी गेट अ डिजिटल सिस्टम। ओके, इतने में किसी को दिक्कत, समझ में आया हमारी प्रोसेस कैसे चलती है। अब एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल सिस्टम अगर पूछे वो भी बताएंगे, नॉइस इम्यूनिटी, लेस बैंडविड्थ को यूज़ करता है, इंक्रिप्शन के लिए काम आता है, क्यों, हमारा हमें एक्चुअल डेटा नहीं पहुंचता उसके पास, उसके पास अलग डेटा प्रोसेस होके पहुंचता है, तो हमारा जो डिजिटल सिस्टम है वो इंक्रिप्शन के भी काम आता है। ओके,
कि हम सीक्रेट कोड में इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे कि हम इंफॉर्मेशन को हाइड कर सके, ठीक है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन है तो इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब ठीक है, कोई भी चीज़ें अगर उसके एडवांटेजेस हैं तो उसके डिसएडवांटेज भी ज़रूर, राइट। तो इसका डिसएडवांटेज क्या होता है, इसका डिसएडवांटेज होता है कि एक्यूरेसी पुअर है। लाइक जब हम एनालॉग की बात करें तो एनालॉग में हमें पर्टिकुलर वो वैल्यू मिल जाती है, पर लेकिन जब मैं डिजिटल की बात कर रही हूँ तो मुझे नॉइस रिड्यूस होके मिलता है। मतलब अगर मेरी यहाँ पे वैल्यू थी तो मुझे यहाँ कहीं मिल रही होगी, ओके। तो एक्यूरेसी हमारी बहुत गंदी होती है क्योंकि हम एक्यूरेसी को नहीं पा पाते, ओके। पर लेकिन एक्यूरेसी को भी हम कैसे ला सकते हैं, लेवल्स को इंक्रीज़ करके। अगर हम लेवल्स को इंक्रीज़ करेंगे तो एक्यूरेसी भी, तो टू इंक्रीज़ रेजोल्यूशन इंक्रीज लेवल सो एक्यूरेसी ऑब्टेंड। इस सब में कोई दिक्कत, समझ में आया कि डिजिटल सिग्नल क्या होते हैं, कैसे डिजिटल सिग्नल और एनालॉग सिग्नल में समझ में आया क्या डिफरेंस होता है, कैसे दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं, क्यों आज के टाइम एनालॉग सिग्नल से उठ के हम डिजिटल सिग्नल पे आ रहे हैं, ओके। और डिजिटल सिग्नल के एडवांटेजेस क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, और डिजिटल टेक्नोलॉजी क्या है आज के टाइम, और क्यों हम डिजिटल डिजिटल करते रहते हैं, ओके। थैंक यू।